कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। सरसों का जो बाजार है यहाँ पर कैसी कीमतें चल रही हैं। आज हफ्ते की शुरुआत पहला दिन है और आज जानेंगे कि किस तरह से सरसों सीड में कारोबार देखा जा रहा है, कैसा कारोबार और ट्रेंड मार्केट में आज आप देख कर चल सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इन दिनों ड्यूटी बढ़ने की खबर की वजह से लगातार तेजी दर्ज करी जा रही है खाद्य तेल के मार्केट में। सरसों सीड में भी जो सरसों तेल का जो रेट है, सबसे पहले उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 5 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार यहाँ बढ़ा है। सरसों सीड में 6700 के करीब के आसपास जो रेट देखा जा रहा था, वहां से बाजारों में जबरदस्त तेजी दर्ज करी गई है। पिछले हफ्ते भी अच्छी बढ़त के साथ बाजार देखा गया और इस हफ्ते की शुरुआत 6950 रुपए के लेवल पर हुई है जयपुर में। इसके अलावा दिल्ली में जो रेट है वो 6575 है, बरवाला में रेट 6200 है, हिसार का रेट 6000 है, ग्वालियर में रेट आप 6100 रुपए देखकर चल सकते हैं, मुरैना में 6100 रुपए तक का सरसों सीड में रेट देखा जा रहा है। 1400 रुपए के पार बाजारों में सरसों तेल का रेट जा चुका है। एक्सप्लेन में सबसे पहले बात करते हैं कीमतों के बारे में, तो जयपुर में 1402 रुपए का रेट है, दिल्ली का रेट 1350 है, भरतपुर का रेट 1400 है, कच्छिघानी में रेट 1400 के पार जा चुका है, 1412 रुपए का रेट जयपुर में है, कोटा का रेट 1410 है, भरतपुर का रेट 1410 रुपए देखा जा रहा है। और जो प्लांट है इनके बारे में अगर बात करी जाए तो प्लांटों में सलोनी शमशाबाद में 7550 रुपए तक का रेट है, 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्नेल में कीमतें 7750 है, 50 रुपए तक गिरावट दर्ज करी गई यहाँ पर। सलोनी अलवर में रेट 7450 है, 50 रुपए तक की मामूली गिरावट, और सलोनी कोटा का रेट 7750 है, जहां पर भी 50 रुपए तक की मामूली सी नरमी दर्ज करी गई है। बाजारों में सरसों सीड में जबरदस्त तेजी के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। एक तरफा बाजारों में एक तेजी देखी जा रही है, दैनिक आवक अभी भी स्टेबल है, आपूर्ति संकट भी अभी भी कायम है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। 2,25,000 बोरी के आसपास की आवक हो रही है, जिसमें से राजस्थान में 1,15,000 बैग, मध्य प्रदेश में 25,000, गुजरात में 15,000 और उत्तर प्रदेश में 40,000 बोरी की आवक हुई है सरसों सीड के बाजार में। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है यहाँ पर दैनिक आवक काफी हद तक स्टेबल है। व्यापारियों की अगर मानी जाए तो उत्पादक राज्यों में स्टॉकिट्सों के साथ किसानों के पास भी अब सरसों का बकाया स्टॉक कम होने लगा है और स्टॉकिट से दाम घटाकर बहुत ज्यादा बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। तो जो एक स्टॉक में आपूर्ति देखी जाएगी, सप्लाई बाजारों में कम देखी जाएगी, और क्योंकि डिमांड ही बनी हुई है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में त्योहार है और तो काफी अच्छी डिमांड भी बनेगी, और जिसकी वजह से बाजारों में तेजी आने का बिल्कुल अनुमान नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। और इसके अलावा खल में के अगर दाम देखते हैं तो 30 से 50 रुपए तक यहाँ पर भी दाम तेज हुए, 2700 के आसपास सरसों खल का रेट आ चुका है। ओवरऑल मार्केट में जो अभी ट्रेंड आप देख कर चल सकते हैं सरसों के बाजार में, आपको यहाँ से पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे में आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, आपको कैसे कामकाज करना चाहिए, इसके लिए हमारा मॉर्निंग का 9:45 का लाइव सेशन बिल्कुल आप ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो QR कोड हो रहा है उसे भी आप स्कैन करके हमारे मॉर्निंग सेशन में इस टाइम जरूर जुड़िए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कितनी तेजी आएगी, 7000 के पार सरसों सीड का बाजार कब जाएगा, आपको उसमें क्या करना चाहिए। और हमारी सलाह यही है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसके हिसाब से आप जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपरी स्तर पर यहाँ पर टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चलिए, मुनाफा वसूली करना आप बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।